छात्राओं, पहले हमने अग्नि देवता के स्वरूप का परिचय किया था और उसके बाद अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र पढ़ा था। अग्नि सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में है, उसका पहला मंत्र हमने पढ़ा था और आज हम उसका दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। आपको ये तो ध्यान ही होगा कि इसके देवता कौन है। इसके देवता अग्नि देवता है और इसमें गायत्री छंद है। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनै ऋत स देवा एह वक्षति। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनै ऋत स देवा एह वक्षति। यहाँ पर मधुछंदा ऋषि ने इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति प्राचीन और नवीन ऋषियों द्वारा की जाती है, इस बात का प्रतिपादन किया है। अग्नि ही, अग्नि मतलब अग्नि देवता, पूर्वे भी ऋषि भी मतलब प्राचीन ऋषियों के द्वारा, प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा, और उतन उतने ही और वर्तमान में नवीन ऋषियों के द्वारा भी। तो मधुछंदा ऋषि कह रहे हैं कि हम जैसे नवीन ऋषियों के द्वारा भी आज अग्नि देवता की स्तुति की जाती है। तो प्राचीन और नवीन सभी ऋषियों के द्वारा अग्नि देवता की स्तुति की जाती है, इस बात का उन्होंने प्रतिपादन इस मंत्र में किया है। और यह भी कहा कि सह देवा एह वक्षति, मतलब अग्निदेव इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। तो अग्नि देवता की स्तुति की जाती रही है, इस बात को उन्होंने इसमें मधुछंदा ऋषि ने बताया है। और इसमें पूर्वे भी ही, इस शब्द के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्वे भी ही यह वैदिक रूप है और लौकिक संस्कृत में पूर्वई ही रूप निष्पन्न होगा। इसमें ऋषि शब्द भी आया है। तो मंत्रों के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, ऋषयो तु मंत्र दृष्टारः। इस मंत्र में गायत्री छंद है जिसमें तीन पाद होते हैं और प्रत्येक पाद के 8 वर्ण होते हैं। ध्यान रखेंगे कि प्रसंग में आप यहाँ पर मंत्र लिखेंगे न कि श्लोक। उसके अतिरिक्त देवता छंद और ऋषि का नाम भी इसमें प्रसंग में आपको लिखना है। मंत्र है, श्लोक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अग्नि देवता, ऋषि मधुछंदा और इसमें गायत्री छंद है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। छात्राओं ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी सूक्त वह किस वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, इस बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। और ऋषि छंद और देवता का नाम भी इसमें लिखेंगे। यहाँ मंत्र है, श्लोक नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो अग्नि सूक्त के हमने दो मंत्र पढ़े, वह अग्नि देवता, मधुछंदा ऋषि और गायत्री छंद इसमें है। अगले टर्न पर हम इस सूक्त का अगला मंत्र पढ़ेंगे।